जनसुनवाई शुरू कर दी। वहीं एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जयपुर के विरासत संरक्षण पर बड़ी खबर है। आज से परकोटे का ड्रोन सर्वे शुरू होगा। मंत्री शांति धारीवाल सुबह 10 बजे सर्वे की शुरुआत करेंगे। सांगानेरी गेट पर ड्रोन का कंट्रोल बटन दबाकर शुरुआत की जाएगी। 360 डिग्री पर एक एक इमारत का सर्वे होगा। सर्वे में अवैध इमारतों को चिन्हित भी किया जाएगा। मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये शायद पहली मर्तबा हो रहा है कि जयपुर का 360 डिग्री एक ऐसा मैप होगा जिसमें जानकारी होगी कि धरोहर कहां पर, उनकी हालत कैसी, अवैध निर्माण कहां पर, और उस अवैध निर्माण को चिन्हित करके कैसे क्रमबद्ध तरीके से खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, जो विजेंद्र, जो पूरा मामला है कि यूनेस्को ने इसको, आपको पता है कि यूनेस्को ने 6 जुलाई को इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, लेकिन विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने से पहले सरकार और नगर निगम से उन्होंने कई कई तरह के कमिटमेंट लिए। कमिटमेंट इस बात का लिया है कि सरकार और जयपुर नगर निगम जयपुर जो परकोटे की विरासत है इसको रोकने के प्रभावी कदम उठाएगी, जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, और ये इन कमिटमेंट की उन्होंने कितनी पालना करी इसकी रिपोर्ट जो है बाकायदा दिसंबर में यूनेस्को को भेजनी है। अगर इस रिपोर्ट से यूनेस्को संतुष्ट हुआ तो ही ये जो विश्व धरोहर का किताब है ये कायम रह पाएगा, नहीं तो ये किताब जो है वापिस लिया जा सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से लगातार इसको लेकर मुहिम चलाई गई है। जब पहली बार इस तरह का प्रपोजल आया था कि विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल करना है, उस समय सरकार और नगर निगम की किस तरह की उदासीनता थी उसको भी बखूबी जो है फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उजागर किया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबरों के बाद जो है जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आए और उनके प्रयासों से यूनेस्को में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। बाद में फिर जो खबरें चलाई गई उसमें बताया गया कि दिसंबर जो है बहुत ही क्रुशियल डेडलाइन है, दिसंबर तक इन सभी कमिटमेंट को पूरा किया जाना है। तो उसी को लेकर जब खबरें चली फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, उसके बाद मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में 3 बड़े डिसीजन लिए गए। पहला डिसीजन ये लिया गया कि जितने भी परकोटा क्षेत्र है पूरा उसका सर्वे कराया जाएगा और उसमें जितने भी अवैध निर्माण है, जिसमें जो प्राचीन विरासत है सवाई जयसिंह की ओर से बताई हुई जो विरासत है उससे किस किस तरह से छेड़छाड़ की गई है उसका पता लगाने के लिए बाकायदा ड्रोन सर्वे कराया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला ये किया गया कि जो फसाड है इमारतों का, जो फसाड है जो कि मुख्य बाजारों में और मुख्य रास्तों की तरफ जो हिस्सा है दिखने वाला भवनों का, उस फसाड को फ्रंट एलिवेशन की गाइडलाइंस जारी की जाएगी। तीसरा फैसला ये लिया गया कि भवन विनियम, क्योंकि यहाँ पे भवन विनियम 1970 के लागू है लेकिन ये भवन विनियम पुराने हैं, इनको नए समय की जरूरत के अनुसार किस तरह से लागू किया जाए इसको लेकर जो है नई तरीके से सोच की जरूरत है। इसी सोच के तहत ये तय किया गया कि नए भवन विनियम भी, विशेष भवन विनियम जिसे कहते हैं हेरिटेज भवन विनियम, वो भी लागू किए जाएंगे। तो ये 3 बड़े फैसले किए गए। उसमें जो आज जो पहला फैसला किया गया उसकी क्रियान्वित ये है कि अभी थोड़ी देर में मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पहुंचने वाले हैं, वो यहाँ पे बाकायदा कंट्रोल बटन दबाकर जो है ड्रोन सर्वे की शुरुआत करेंगे और इसमें इमारतें चिन्हित करेंगे। तो बड़ी बात विजेंद्र मैं बता दूं, जो पूरा शहर है परकोटा ये टाउन प्लानिंग के लिहाज से पूरे वर्ल्ड में एक नजीर है। चंडीगढ़ जो कि भारत का सबसे नियोजित शहर माना जाता है, उसकी जो नींव है, उसकी जो प्लानिंग है, वो भी जयपुर के परकोटे को ध्यान में रखते हुए की गई है। मतलब जयपुर के परकोटे की, मतलब जितने भी आके स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली, वहाँ के स्टूडेंट्स भी यहाँ की जो बसावट है उसका अध्ययन करते हैं। तो जो प्लानिंग की बात करें, नगर नियोजन आर्किटेक्चर की बात करें, तो उसमें जयपुर का कोई सानी नहीं है। लेकिन जो लगातार जिस तरह से यहाँ पे अवैध निर्माण हुए, जिस तरह से फ्रंट एलिवेशन से छेड़छाड़ की गई, तो ये सारी चीजें हुई, तो उस वजह से ये हेरिटेज प्रूफ जो है बदरंग हो गया है। और आपकी इसमें विजेंद्र सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि जब सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाया था तो ये जो जौहरी बाजार है, त्रिपोलिया बाजार है, चांदपुर बाजार है, सूरजपुर बाजार है, हर बाजार की बाकायदा एक पहचान थी, हर बाजार का एक अलग फ्रंट एलिवेशन था। तो ये सारी चीजें, और जो 1970 के जो बायलॉज लागू है उसमें ये कहा गया है कि फ्रंट एलिवेशन में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन बात इसमें यहाँ पर ये भी बड़ी आश्चर्यजनक है कि जो फ्रंट एलिवेशन कैसा होना चाहिए, तो जो मूल दस्तावेज है वो भी जो है किसी को पता नहीं है कि मूल दस्तावेज आखिर क्या है। क्योंकि जो 1970 के बायलॉज है वो ये कहते हैं कि फ्रंट एलिवेशन अगर आपको देखना है तो नगर नियोजन जो भवन है वहां पर इसकी प्रति सुरक्षित है, उसको देखकर आप अपना इमारत का फ्रंट एलिवेशन ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रति भी कहीं नजर नहीं आती। तो ये सारी इस तरह की चीजें की जो विरासत है वो कहीं खो गई है। अब इस विरासत को दोबारा जो है सहजने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम यहाँ के वास्तु की बात करें, यहाँ के आर्किटेक्चर की बात करें विजेंद्र, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से ये बसा हुआ है कि जो हर जगह नौ का आंकड़ा
यहाँ पर आता है। जो अगर चौड़ाई की बात करें, चाहे मुख्य बाजारों की बात करें और उनमें खुलने वाले रास्तों की बात करें, रास्तों के अंदर जो है गलियों की बात करें, तो अगर जैसे जो मुख्य बाजार है वो है 108 फीट चौड़े, उसके अंदर जो हल्दियों का रास्ता या दीवालों के रास्ते के जो बाजार है ये है 54 फीट चौड़े, और उनके अंदर जो गलियां इन रास्तों को जोड़ती है वो है 18 फीट चौड़ी। तो आप अगर इन सबका योग देखें तो इनका सबका योग 9 आता है। ऐसे ही हम बड़ी चौपड़ की बात करें तो यहाँ पर 9 चौकड़ियां हैं पूरी, और जो बड़ी चौपड़ है, छोटी चौपड़ है, रामगढ़ चौपड़ है, बाकायदा संकोर पे करती है। तो इस तरह का जो नजीर है, इस तरह का जो वास्तु है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे जरिए हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि जयपुर कितना महत्वपूर्ण और इस सर्वे का महत्व कितना ज्यादा है।